नमस्कार भाइयों, स्वागत करते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। रफ्तार के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप गाड़ी का गियर स्मूथली लगा सकते हैं। खासकर नए ड्राइवर हमेशा जब भी गियर लगाते हैं तो उनका गियर अटकता है, तो क्या वो गलती करते हैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए गाड़ी के अंदर। गाड़ी की गियर लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा गियर कहाँ पे लगता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और रिवर्स गियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं पहली बात तो बता दूं, जब आपकी गाड़ी आगे की ओर है यानी आपकी गाड़ी अगर मोशन में है फ्रंट साइड, तो कभी भी गाड़ी का रिवर्स गियर नहीं लगेगा चलते हुए। तो आप इस खौफ में कभी मत रहिएगा कि मैं चलती गाड़ी में अगर रिवर्स गियर लगा दूं तो क्या होगा। तो दोस्तों रिवर्स गियर नहीं लग सकता चलती गाड़ी में, वो तभी लगेगा जब आपकी गाड़ी बंद हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जब ये न्यूट्रल होता है तो ये एकदम आप देख सकते हो सीधे रहती है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अगर फर्स्ट गियर लगाना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको एकदम एंड में जाना है और फर्स्ट गियर लगाना है। आप ये चीज जरूर नोटिस करें कि जब भी आप ये सब काम करें तो आप क्लच दबा के करें, क्योंकि यही एक रूल होता है। आप बिना क्लच दबाए करेंगे तो आपके गियर बक्सा बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि गाड़ी के सिर्फ दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो इंजन, एक तो गियर बक्सा दोस्तों, और एक क्लच प्लेट। तो ये गाड़ी का मेन पार्ट है। तो चलिए ये आपका फर्स्ट गियर लग गया। सेम अगर आप सेकेंड गियर लगाना है स्मूथली लगाने के लिए दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि आप फिर जब भी आप फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर पे आएंगे दोस्तों, तो एक बार आपकी गाड़ी न्यूट्रल जरूर आएगी। देखिए ये गाड़ी न्यूट्रल पे आ गई, फिर आपको अंदर लेना है और पीछे करना है, ये आपका सेकंड गियर लग गया। तो यहां पे आप अपना सेकंड गियर लगाएंगे अपने स्पीड के अनुसार, फिर जैसे ही आप छोड़ेंगे और तीसरे गियर लगाने जाएंगे तो ये बात याद रखना, जब स्टिक हमेशा तीसरे और चौथे गियर के बीच में रहती है। आप देख सकते हो ये फर्स्ट रहता है हमारा, ये सेकंड रहता है हमारा और ये थर्ड गियर रहता है हमारा। और इसी के साथ दोस्तों नीचे ही आपको फोर्थ गियर भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा फोर्थ गियर लग गया। और जब आपको फिफ्थ गियर लगाना है तो आप फिर से एकदम एंड में आएंगे, ये आपका फिफ्थ गियर लग गया दोस्तों। इसी के साथ आप अगर सिक्स्थ गियर पे आएंगे तो फिर से आपको ये सिक्स्थ गियर लग गया। और ये टाटा नेक्सॉन है तो इसमें रिवर्स लेने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। इस बटन को आपको प्रेस करना है और ऑल द वे डाउन आना है तो आपका ये रिवर्स गियर भी लग जाएगा। और सब गाड़ी में अलग अलग रहता है दोस्तों सिस्टम, डस्टर में भी ऐसा ही है और भी कई गाड़ियां जिसमें सेम है। तो चलिए दोस्तों ये हो गया आप कैसे अपनी गाड़ी स्मूथली लगा सकते हैं गियर। अगर आप गियर समझ गए तो दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप हाफ क्लच पे गियर चेंज करने के लिए जाएंगे तो आपका गियर जरूर अटकेगा। इसीलिए जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपका क्लच ऑल द वे आप अंदर दबाएं और फिर आप गियर चेंज करें गाड़ी का। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों, जब भी कोई नए ड्राइवर होते हैं और वो गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो हमेशा जब भी गियर लगाने का टाइम होता है तो फर्स्ट गियर तो वो आराम से लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है उसी गियर पे गाड़ी उठानी है। पर सेकंड या थर्ड गियर पे दोस्तों वो ऐसे नीचे देखते हैं और उनका ध्यान आगे से हट जाता है, फिर वो गियर लगाते हैं। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, आधा घंटा आप हमेशा क्लच दबाइए और गाड़ी स्टैटिक रहे, तब आप ये चीज की प्रैक्टिस करिए ताकि आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए। जब भी आपको कोई कहे कि फिफ्थ गियर लगाना है तो आप नीचे ना देख के आप सीधा फिफ्थ गियर आप ऐसे लगा दें, आपको ऐसा होना चाहिए दोस्तों। और कभी भी गियर रश मोड में नहीं लगाने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्मूथ प्रोसेस होता है दोस्तों गियर लगाना। अगर आप आराम से क्लच पूरा अंदर दबाते हैं और आप फर्स्ट से सेकंड में लेते हैं आराम से, तो आपका गियर कहीं अटक ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे स्पीड में ऐसे ले रहे हो तो आपका गियर अटक सकता है दोस्तों, बट उसके अलावा आपका अटकने का तो कोई चांस ही नहीं उठता अगर आप क्लच अच्छे से दबा रहे हैं। और ये स्मूथ प्रोसेस है, आप देख सकते हो दोस्तों, सेकंड से आपको थर्ड पे जाना है तो एक स्मूथ प्रोसेस है, आप ऐसे छोड़ेंगे फिर तीसरे पे लगा देंगे। जितना स्मूथ हो सके उतना स्मूथली आपको गियर के साथ खेलना है। तो ये तो हो गया दोस्तों गियर का काम, आपको मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड एक और बात बता दूं दोस्तों, आपको आपका पैर क्लच पे तभी तक रहना चाहिए जब आपको गियर चेंज करना है। यानी कि अगर मैं गियर चेंज कर रहा हूँ तब मैं मेरा पैर क्लच पे जाएगा, गियर एक बार मैंने चेंज किया पैर क्लच से हट के एक डेड पैडल दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, आपका पैर हमेशा डेड पैडल पे आ जाना चाहिए और क्लच पे पैर नहीं रहना चाहिए। इसी के वजह से दोस्तों आपके गियर बक्सा जल्दी काम मांग देता है अगर आपका पैर बार बार क्लच पे जाता है। मैंने बहुत देखे हैं ड्राइवर्स जो स्टार्टिंग के टाइम हमेशा अपना पैर क्लच यहीं रखते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मुझे कहीं पैनिक सिचुएशन में तुरंत दबाना पड़े तो मैं यहाँ से यहाँ उठाने में टाइम ना लगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमेशा वी शेप में रखना है, आप देख सकते हो, ताकि आप ऐसे उठाएं और फिर यहाँ रखें जब आपको गियर चेंज करना हो। ये तो ये खेल होना चाहिए दोस्तों क्लच के साथ।
सो दोस्तों ऐसे आप अपना गियर स्मूथली लगा सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा दोस्तों। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से, बाइक से इजी होता है दोस्तों कार चलाना, तो इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज बनाऊंगा जहाँ पे गाड़ी चलाना मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद जय भारत, साइनिंग ऑफ रफ्तार 7811।